सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार गेम प्ले वीडियो में। आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं GTA 5। और गाइस, ये GTA 5 सीरीज का हमारा होने वाला फिफ्थ एपिसोड और फिफ्थ मिशन करने वाले हैं हम आज GTA 5 में। तो भाई, जो माइकल दादा है उसने हमें ड्रिंक्स के लिए बुलाया है। और भाई, हमने जो सुनियन है उसका कार शोरूम पर जो भी कार्स का बिजनेस था उसको हमने बिल्कुल भी भाई बर्बाद कर दिया। और सुनियन इस टाइम हमसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। तो भाई, ये गाड़ी कितनी स्पीड में लेकर निकला भाई, कितना बेकार ड्राइवर है। तो मैं कहाँ पर था ना भाई, जो सुमियन है उसका कार बिजनेस है भाई, हमने बिल्कुल ही ठप कर दिया। और भाई, सुमियन ने हमें एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनाया था। अभी भाई सुमियन का ही कॉल आ गया, ये हमें बहुत ज़्यादा डांटने वाला है। इसका कॉल उठाते हैं और बात करते हैं भाई सुमियन से। भाई, सुमियन बोल रहा है कि तुम मेरे बेटे की तरह थे और मैंने तुम्हें एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनाया। और भाई, तुम मेरे लिए एक गोली नहीं खा सकते थे खोपड़ी में। भाई, हम इतने बेवकूफ़ी थोड़ी ना है तेरे लिए भाई अपने मत्थे में गोली खाए। तो भाई, ये सुमियन तो भाई दिमाग खराब कर रहा है। चल कोई ना, इतने इसका फोन काटते हैं। और भाई, अभी चलते हैं हम सीधा माइकल दादा से बात करने के लिए भाई, कि माइकल दादा कुछ काम वाम दिला दो भाई हमें। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं माइकल दादा के घर पर। और भाई, लगता है माइकल दादा है वो घर के पीछे बैठे हुए हैं। सो अभी हमें माइकल दादा से घर के पीछे बात करनी होगी जाकर। और पता नहीं माइकल दादा घर के पीछे क्या कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं घर के पीछे और देखते हैं भाई माइकल दादा क्या ही अपना अलग ही भाई छोड़ में रहते हैं। भाई, घर के पीछे भाई स्विमिंग पूल और पूरा भाई धूप का आनंद ले रहे हैं माइकल दादा। चलिए भाई, माइकल दादा से बात करते हैं वो क्या ड्रिंक व्रिंक लाने वाले हैं माइकल दादा हमें आज। तो भाई, अभी अभी हमारी माइकल दादा से बात हो चुकी है और माइकल दादा कह रहे हैं कि चलो मैं तुम्हें ड्रिंक पिलाता हूँ। और भाई, माइकल दादा ने अभी अभी हमें समझाया है कि भाई ये गुंडागर्दी की लाइफ में कुछ नहीं रखा। और भी भाई, जिमी का फोन आ गया, चलो जिमी से बात करते हैं। तो भाई, माइकल दादा कह रहे हैं कि अभी मैं एक ड्रिंक पीने के लिए जा रहा हूँ और अभी मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता। लेकिन भाई, ये क्या जिमी के साथ क्या हुआ भाई? जिमी को किडनैप कर लिया। और भाई, जिमी हमारी ही बोट बेच रहा था उस गैंगस्टर को और उन्हीं गैंगस्टर ने जिमी को उठा लिया है। भाई, जिमी कितना बेवकूफ बच्चा है भाई ये। फ्रैंकलिन को पूछता हूँ क्या वो मेरे साथ चलेगा जिमी को बचाने के लिए। भाई, ये जिमी बहुत ही बेवकूफ है यार। माइकल दादा का बेटा जिमी यार कैसा, क्या ही भाई, बिल्कुल पागल है। चलो कोई बात नहीं, चलो उसकी जान बचाने के लिए चलते हैं। भाई, फ्रैंकलिन आ जाए तो भी साथ में। अभी चलते हैं भाई, हमें एक रोड की लोकेशन दी है उसने। जिमी ने कहा कि हम अभी उस रोड से क्रॉस करने वाले हैं। अभी हम उस रोड की लोकेशन पर पहुंच रहे हैं, वहां पर हमें अपनी बोट मिलेगी और भाई जिमी की हमें जान भी बचानी है। तो भाई, माइकल दादा कह रहे हैं भाई कभी भी फ्रैंकलिन में जिंदगी चला देता हूँ कि शादी मत करना और कभी अपने बच्चे का ध्यान मत करना। अभी चलते हैं सीधा भाई उस बोट के पास। भाई, गाड़ी तो ठीक ठाक है लेकिन भाई इसमें इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं है। ये शायद अमेंडा की कार है और भाई हमारी कार है वो शायद इससे थोड़ी बेटर होगी। तो भाई, हमें कोई नई स्पोर्ट्स कार की जरूरत है। GTA 5 में रह रहे हैं भाई लॉस सैंटोस में और हमारे पास बिल्कुल घटिया कार है, ये बिल्कुल झूठी बात। अरे यार, गाड़ी छुट्टू, इस गाड़ी का भी तो भाई थोड़ी बहुत अपग्रेड करनी पड़ेगी। अमेंडा को भाई एक अच्छी गाड़ी भी गिफ्ट करनी पड़ेगी। तो भाई, अभी यही बोलो, वो बोल रही भाई हमारी बोट, यही है वो बोट हमारी। भाई, इस बोट उस ट्रक का पीछा करना पड़ेगा और भाई वहीं पर जिमी होगा शायद। भाई, भगाते हैं इस गाड़ी को। अरे चल भाई, थोड़ी तेज पड़ा यार, ये तो बिल्कुल कचरा कार है। अमांडा को एक स्पोर्ट्स कार देनी चाहिए गाड़ी नहीं भाई, इसका बैलेंस भी इतना अच्छा नहीं। ट्रक वाला पागल हो गया यार, ये कैसे गाड़ी चला रहा है भाई। हमें और तेज चलाना पड़ेगा भाई। माइकल दादा बोल रहे हैं कि तुम गाड़ी के आगे बोनट पर चढ़ जाओ और जैसे ही मैं गाड़ी के उसको बोट के पास लेकर जाऊँगा तुम सीधा बोट के ऊपर जंप कर देना। क्योंकि हम बोट के पास आ चुके हैं। भाई, फ्रैंकलिन भी भाई दमदार बंदा है, वो कूद गया भाई। ट्रक वाला पागल हो गया, कहीं ऊपर चला रहा है भाई ट्रक को। भाई, ये ट्रक वाला खुद भी मरेगा और पता नहीं कितने लोगों को मारेगा लॉस सैंटोस में। भाई, इस फ्रैंकलिन की जान बचानी पड़ेगी भाई उसके ऊपर। हमने भाई गोलियां तो मारी हैं लेकिन देखते हैं। फ्रैंकलिन भी भाई जबरदस्त बंदा भाई, फ्रैंकलिन को कुछ ना कुछ काम देना चाहिए माइकल दादा ने। लेकिन भाई, माइकल दादा अपना अलग ही ज्ञान पे ले लगे दिमाग पर। बोले भाई, गुंडागर्दी कर दी कुछ नहीं। तेरा भाई
गुंडा गर्दी वाले काम कर रहे हैं इधर, लेकिन भाई इस बोट को बचाना जरूरी है क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा महंगी बोट है ये। तो भाई ये क्या हमारी गाड़ी में से धुआं भी निकलना स्टार्ट हो गया है? ये तो बहुत गलत है क्योंकि हमारी गाड़ी की स्पीड भी अब धीरे धीरे स्लो हो रही है। ये भाई लोगों के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं माइकल दादा, बिल्कुल भाई खतरनाक जहर मारने से। अभी चल भाई बोट भाई काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुकी है। अभी भाई वो रहा जिमी, जिमी को भी बचा लिया है। अब ये जिमी भाई ये अभी ये जिमी कितना गधा इंसान है यार, नीचे हो जाता थोड़ा। अभी भाई इस जिमी के नीचे लेनी है गाड़ी को हमें और जिमी की जान बचानी है। और भाई फ्रैंकलिन है वो भी भाई नीचे गिरने वाला है भाई। ये तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन है भाई, ये गाड़ी कितनी घटिया है, बिल्कुल भी नहीं भाग रही। हमें नई गाड़ी तो हमें देनी चाहिए। फाइनली भाई जिमी की तो जान हमने बचा ली है। अभी हमें फ्रैंकलिन है उसको भाई वापस लाना पड़ेगा अपनी अपनी गाड़ी पर। क्योंकि भाई फ्रैंकलिन ने भाई उसको आदमी को गिरा दिया भाई। फ्रैंकलिन सच में दमदार बनता है। अभी चलते हैं जल्दी से जल्दी गाड़ी को भगाते हैं और फ्रैंकलिन को लेते हैं भाई वापस, और फिर हम अपनी बोट का बदला लेंगे बंदों से। भाई गाड़ी जल्दी बढ़ानी पड़ेगी भाई, कैसे कट्टी गाड़ी। फाइनली भाई फ्रैंकलिन को भी हमने वापस अपनी गाड़ी में ले लिया है। अभी भाई गाड़ी को आगे भगाते हैं वो। अभी लोरी वाले तेरे को मैं नहीं जाने देगा अपने बोट को लेके। तो भाई ये गाड़ी बिल्कुल कचरा है भाई, वो बोट वाला कितनी आगे निकल गया भाई, ये गाड़ी का बाड़ा है। तो भाई अभी इस गाड़ी को वापस लेके जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि भाई इस गाड़ी से अभी हम उस बोट का पीछा नहीं कर सकते। और अभी उन बंदों से हम बाद में बदला लेंगे, तो अभी हम इस गाड़ी को ठीक कराएंगे। मिलते हैं गाइस एक नेक्स्ट एपिसोड में। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग कीप सपोर्टिंग। तो अभी जो है मैं इस गाड़ी को ठीक कराऊंगा और जो है घर पर चलते हैं और हम फ्रैंकलिन के लिए सोचेंगे कि हमें फ्रैंकलिन को क्या काम करना चाहिए। तो अभी चलते हैं घर पर इस गाड़ी को रिपेयर करते हैं।